कल असेंबली में कारगिल, बल्कि खरमंग कारगिल रोड कहेंगे उसको, इंडस वैली का अपर इंडस वैली रोड जो है उसके बारे में करारदाद आई, ये हुकूमती हलकों की तरफ से आई थी। तो इससे पहले तो इस तरह का कोई तजुर्बा हमें नहीं हुआ। शायद हुकूमती अराकीन जो है उनके ख्याल या उनके इस करारदाद से मकतदर कुव्वतें जो है वो शायद लालूम हो, उनको मालूम ना हो तो ये करारदाद जो है वो असेंबली में आई है। बसूरत दीगर तो इसको अमूमन रोका ही जाता है। तो लेकिन फिर भी चूँकि ये हमें तो मौका मिला, हमने बात की, और हम अब भी समझते हैं जनाब कि मुजफ़्फ़राबाद और श्रीनगर के दरमियान जब गाड़ियाँ चल सकती है, इधर उलाकोट से पुंछ तक गाड़ियां चल सकती है, तो क्या वजह है कि मतनाज़ खिते के अंदर जो है लद्दाख के इलाके में गाड़ियां आपस में ना चलें और लोग आपस में न मिलें। ये तो कोई तुक नहीं बनता। हाँ, अगर सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न जैसे कर्नल उबेर साहब कह रहे थे ऐसी कोई बात हो, तो मुजफ़्फ़राबाद भी बंद होगा, पुंछ भी बंद होगा, वाघा और दूसरे वो भी बंद होंगे, तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ भी बंद कर दिया जाए। लेकिन सबको खोल के यहाँ बंद करना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जुल्म है। तो मैंने यही बात वहाँ पर की थी। और दूसरी तरफ जो है ना, आप देखेंगे गंडा सिंह से लेकर इधर वाघा तक और नीचे थरपारकर तक, ये आपस में तो मिल बैठते हैं पंजाबी और दूसरे लोग, और सिखों का इतना ख्याल रखा जाता है, तो कोई रीज़न नहीं बनता है कि बल्तिस्तान लद्दाख के लोगों को जो है बिल्कुल इसी तरह कट ऑफ किया जाए। और इसी ज़मीन में एक और दूसरी बात भी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये गेजे डिस्ट्रिक्ट और इधर हुंजा से जो है वखान की तरफ भी हमारी ट्रैफिक चलती थी, मतलब देसी, मतलब पैदल हमारी तिजारत थी, वो भी अब बंद हो गई। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई, एक सीरियस बात मैं आपसे शेयर करूंगा। हमने मिलिट्री हुकाम को भी ये बहुत पहले से बताया है, साल हा साल से इमित में जो है बैरियर लगा के पाकिस्तानी शहरियत के लोगों को वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा। इमित से आगे अफगान बॉर्डर कोई 100 किलोमीटर पर है, और आगे 50 किलोमीटर पर गाँव आबाद है, वहाँ पर 10 गाँव आबाद है। मैं अगर नाम गिनना चाहूँ, आप कहते हैं कि कौन कौन से गाँव, तो मैं बताऊं कि इमित से आगे रहमताबाद, शमसाबाद, बाजार कुटू, द्वारदास, बरसवत, गंजाबाद, अच्छा बर्थ, मतरमदान, प्याखिन, बोक और सख्तराबाद, ये सारे इलाकों के अंदर लोग आबाद है, 30,000 आबादी है, और वहाँ बैरियर लगाकर किसी को नहीं छोड़ते, उसको नो गो एरिया बना दिया है। जबकि पीछे की तरफ से चित्राल से खुली आज़ादी है कि वहाँ से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बैठकर लोग जो है ऊपर कुरुम्बर लेक आते हैं। इसी तरह शंदूर पर कब्ज़ा करा दिया, अब कुरुम्बर लेक पर कब्ज़ा कराने का एक प्रोग्राम है। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी कि बैरियर को जो है वो आबादी से बाहर निकाले, बेशक लगा दे, सिक्योरिटी को सख्त करें। हम नहीं कह रहे कि सिक्योरिटी को आप लूज करें, या ये अफगान बॉर्डर से 50 किलोमीटर इस तरफ रखें ना, सख्तराबाद में रखें, सख्तराबाद से आगे रखें। तो यही हमारी गुजारिश है। हिस्टोरिकल रूट्स खुलने से सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान खुंजरा खुलने से फ़ायदा हुआ, ये तो एक सनती मुल्क के साथ हमारा ताल्लुक है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे रूट्स अगर अफगानिस्तान के साथ भी खुलते हैं तो हमारा देसी तिजारत, हमारी देसी तिजारत वहाँ से माल मवेशी इधर आती है, इधर से चाय पत्ती जो है उधर जाती है। पहले ज़माने से इस तरह होता रहा, हमारे रिश्ते हैं, आपस में ताल्लुकात हैं, इसी तरह ताजिकिस्तान तक भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कोई अंधेरा ज़माना नहीं है, सन 2021 है, इसमें मुल्कों के आपस में ताल्लुकात होना चाहिए। भले हिंदुस्तान के साथ अगर ताल्लुकात सही नहीं रहते, बीच में जंग आती है, मसाइल आते हैं, तो ये एक स्पेशल चैप्टर है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि तोरखुम में बॉर्डर खुला हुआ है, चमन में खुला हुआ है, अभी जो है वो कुरम एजेंसी और दूसरा वज्रस्तान में भी खोल रहे हैं, और आगे दालबंदीन की तरफ भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे कदीमी जो हमारे रास्ते हैं, इनको बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। इससे क्या होगा जनाब, आपने असल जो चीज़ पूछा है वो ये कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोशल लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये मुल्क और कौम के मफाद में है, इसके ख़िलाफ़ नहीं है।